मंझोला अंतर्गत लाइन पार स्थित एकता कॉलोनी में रहने वाले राम प्रकाश पुत्र नौबत राम ने क्षेत्राधिकारी सिविल लाइन को मौखिक रूप से कुछ वीडियो फोटो दिखाकर थाना मंझोला पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि उनका उनके पड़ोसी से रास्ते को लेकर विवाद चला आ रहा है। विगत दिनों महावीर पुत्र मोहन लाल व किशन पाल सिंह ने राम प्रकाश के घर पर हथियारों के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसमें राम प्रकाश की पत्नी शीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी शिकायत राम प्रकाश ने थाना मंझोला पुलिस को करी, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए घायल को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। आसपास के लोगों ने दोनों पक्षों को बैठाकर समझौता करा दिया, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उल्टा राम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। राम प्रकाश ने बताया कि वे भी पुलिस महकमे में से ही रिटायर हुए हैं, लेकिन उस पर भी पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। उल्टा राम प्रकाश को ही दोषी बनाकर कार्यवाही कर दी गई। पीड़ित परिवार ने पास में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर सीओ सिविल लाइन से शिकायत की और उन्हें कैमरे के वीडियो दिखाए, जिस पर क्षेत्राधिकारी द्वारा उक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही गई है। मंझोला पुलिस द्वारा हमारे पूरे परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है और हमारे साथ ही मारपीट करी गई और हमारे साथ ही 452, 324 और 323 का फर्जी मुकदमा उमेश मिश्रा दरोगा जी के द्वारा लिखा गया है, जिसकी संबंध में हम जांच के लिए सीओ साहब से मिले और उन्होंने हमें सारे साक्ष्यों के आधार पर, वीडियो के आधार पर हमारी जांच का आश्वासन दिया है। तो क्या है, तो किस बात को लेकर मारपीट हुई थी? जी, मारपीट आपसी घर पड़ोस का झगड़ा था, हमारे दरवाजे को लेकर पड़ोसी से हमारा विवाद चल रहा है और दरोगा जी ने जो है वो जो मुकदमा दिखा दिया चाकूबाजी का, फर्जी मुकदमा दिखा दिया। कैमरे महावीर के परिवार के घर के बाहर लगे हुए हैं, दो कैमरे जो चालू अवस्था में हैं, जिनकी वीडियो हमारे पास मौजूद है। क्या करते थे आपके पिताजी? ये हमारे पिताजी खुद राम प्रकाश जी पुलिस विभाग से रिटायर हैं और ये पुलिस उत्पीड़न का मामला है, सरासर एक तरफा कार्रवाई का मामला है। बिना जाँच के दरोगा उमेश मिश्रा जी ने मामला चार्जशीट सीओ साहब के यहाँ दायर कर दी है। तो वीडियो आपने दिखाया को? आज हमारे द्वारा वीडियो जो है क्षेत्राधिकारी महोदय को दिखाया गया, उसे देखने के बाद उन्होंने दोबारा जांच के आदेश दिए।